तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। सर क्या कहते हैं, संदीप सर क्या कहते हैं? तो हम लोग आ चुके हैं प्रेमानंद जी, जहां महाराज अभी भ्रमण के लिए आने वाले हैं वहां पर। नेक्स्ट लेवल का होता है, आंख में आंसू आ गया भाई। पंडित जी वहां के मेरा फोन छीन लिए। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और ये देखो हमको छोड़ने के लिए आए हमारे साथ। ये छोड़ने आई है, ये भी छोड़ने आई है। राहुल आ गया, राहुल भाग गया। तो अभी हम लोग सबके सब जा रहे हैं दिल्ली। इस हमारी ट्रेन हाफ आवर लेट हो गई है और देखो हम लोग बहुत बेचारे लोग कैसे कैसे एकदम बन के बैठे हुए हैं। देख रहे दीदी का मुंह देखो कोई। बेचारे सुमित को तो जगह ही नहीं मिल रही है बैठने। गाइस ये बंदा बाथरूम का चप्पल पहन के आया है। कौन सा चप्पल, किसका चप्पल? दिखा नहीं रहा है बाथरूम। ये देखो कैसे छुप रहा है, यही से आपको पता चल सकता है कि छुपाया है। ये बंदा नहाया भी नहीं है। क्या किया जाए इसका, इतने गर्मी में भैया, गर्मी आप फील कर सकते हो बिलासपुर का। और ये देखो भाई मैं खाली नहीं रहा ना, मैं ही तो उधर जा चुका हूँ। ये हमारे पहले फैन है, जल्द मिलना है। संदीप सर क्या कहते हैं, संदीप सर क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी शादी में नहीं बुलाया आपको, बात होती है तो ज्यादा नहीं होती बात। मैंने तो साल करके दी उनसे, ऐसे हाय नमस्ते करके बस ऐसे ही हाल चाल करते रहते हैं। और आपके बारे में भी पूछा था। अच्छा ठीक है, गाइस ये लड़की एक चम्मच भी नहीं उठाती बेचारे, इससे उठवाती है। मेरी चाय भाई, ये लो ये लो, ये आपकी है, ये मेरी है। ये देख रहे हो गद्दारी हो गई था इसे चाय के मामले में। ये तुम्हारी गलत फहमी है बेटे, अंगूर के संग साथ लंगूर के लंगूर के साथ अंगूर ऐसा बोलती। ये देखो लंगूर लंगूर के साथ अंगूर कैसे ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोल दिया। नहीं तो उसको बोलो कम से कम मुंह हाथ को धोए, एकदम अजीब पसीना पसीना। आप तो बोलो ना, मैं तो हमेशा उसको बोलती रहती हूँ। अपने एक्स संदीप त्रिपाठी से मिलने एकदम जूते वूते पहन के तैयार हो चुकी है रायपुर के स्टेशन से मिलने उस शादी से, शादी सुधर डोकरे के साथ डरेगा, ये सब डलेगा। हाँ तो गाइस ये वही लोग हैं जो पहले मेरे को बोलते थे कि बाथरूम की चप्पल लेके आया, अब खुद इसी चप्पल में घूम रहे हैं। बाथरूम की चप्पल को इंसान बाथरूम में पहन के जाएगा ना, तो बाथरूम भी जाएगी उसमें, लेकिन ये दुनिया जहाँ घूमने होने वाला है इसमें पहन के। ये देखो उनका, उनका ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इंसल्ट कर दीदी आराम से यार। शूट करके हम लोग का खाने का टाइम हो चुका है और ये देखिए वेट कर रहे हैं चार लोग ना हम लोग। ये देखो ये हमारा सप्लायर है जो खाना निकाल निकाल के सप्लाई कर रहे हैं। अरे हमारे नाक खुजा खुजा के खा रहे हैं। तो अब हमारे सर आ चुके हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे हमारे पुराने व्लॉग्स।
क्यों सर? हाँ। कैसा लग रहा है हमसे मिलके? बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। ताजा हो रही है। आप पतले कैसे हो गए हो? पतले कहाँ हो गए, गर्मी है। वही तो, जिम जा रहे हैं। तो सर हमारे लिए लेके आए हैं बहुत सारा खाना, ये देखो, बर्गर पिज्जा सब कुछ ट्रेन में। हम लोग कल से भूखे प्यासे कितना झूठ बोलती है। कोई भूखे प्यासे नहीं थे कुछ भी यार, अभी तो मन ये प्यासे थोड़ी सी बेकार भी हो सकती कॉफी। और समझ आ सर, हमने तो उम्मीद छोड़ दिया था। क्यों ये देखिए, झांसी से बर्गर लेके आए मैं सर माल। वाओ सर, सीरियसली हमको प्यार करते हैं, हमको पता चल गया, मतलब कोई इतना कर रहा है भाई, मतलब समझ रहे हो आप। गाइस ये देखो केचप किस पे लेके आए, छोटू सी बोतल में। अरे बाप रे, मेरे बाप रे। पन्नी उठाओगे, पन्नी के नीचे ही है नमक का वो। तो गाइस अब हम लोग ट्रेन से उतरकर ऑटो में बैठकर मथुरा से जा रहे हैं वृंदावन। और ये देखिए हमारे साथ चुड़ैल भी जा रही है। और ये फ्लैश दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मुझे फ्लैश। हाँ फिर से फ्लैश दिखाओ, फ्लैश दिखा रहा है सुबह। बहुत अंधेरे की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो चलो अब चलते हैं साथ में वृंदावन। लोग अब अपने होटल में सारा सामान रख कर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर, क्योंकि होटल में अवेलेबल नहीं था। और ये कुछ लोग पीछे आ रहे हैं बहुत लेट से। अच्छा खाना बचाया। तो गाइस हम लोग फिर इसका शुरू हो गया व्लॉग, बिना वो किए अपना शुरू कर देती जैसे मैं ऑन करती हूँ। देखो तो गाइस हम लोग खाना वाना खा कर अपने होटल जाके और नहा धोकर फ्रेश होके एकदम कर रही है। क्या ऐसी कपड़ा पहन के वहाँ जा रहे हैं वजीर लोग, बता इस कपड़े में क्या खराबी है। देखो अपना कैसे दिखा रही है उसको। हाँ। देखो अपने आप को, बाप रे ये बहुत गंदी है भाई, गाइस गलत। हाँ, ये जो भी कपड़ा पहनते का मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए भाई। तो और इतना बुरा भी क्या पहने हम, नहीं पहने भाई ना, जहाँ भी जाना अगर सूट पहन दिए तो क्यों पहनोगे, क्यों मन में श्रद्धा होना चाहिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो रात में निकलते हैं भ्रमण के लिए। तो हम लोग भी रेडी होके जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। अब हम लोग आ चुके हैं चाय पीने के लिए और जीजा जी तो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ खो गए हैं वो। तो हमारे जीजा जी आ चुके हैं, देखिए आप गौर से देखिए, उनका पेट पहले बाहर आ उसके बाद जीजा जी आ रहे हैं। और दीदी का खुशी भी, दीदी का खुशी जो नेक्स्ट लेवल। तो हम लोग आ चुके हैं प्रेमानंद जी जहाँ महाराज अभी भ्रमण के लिए आने वाले हैं वहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बगल में कितने कुछ कुछ बनाए हैं और पूरा फूल उल बिछाएंगे अभी उनके स्वागत के लिए। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, नींद में है बट एक्साइटेड है देखने के लिए। यहाँ पे ऐसे फूल बिछा हुआ है, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। तो
गाइस अब हम लोग फिर से बहुत नींद आ रही है तो ये लोग फिर से चाय पीने जा रहे हैं। चाय पी रहे हैं, बस चाय पीते। आपको पूरे व्लॉग में चाय 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 दिखने वाला है क्योंकि सारे सारे चाय लवर हैं। 12 बज रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के। तो गाइज हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का और आप देखें यहाँ का माहौल कैसा है, इतना अच्छा है कि आप फील कर सकते हो वहाँ से भी। देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, देखिए आप इतना अच्छा चारों तरफ, ये देखिए। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल तो हम लोग को रात में बहुत लेट हो गया था महाराज जी का दर्शन करते हुए और फिर हम लोग 4 बजे एक समथिंग ऐसा कुछ सो गए थे, उसके बाद उठे बहुत लेट हैं और हम लोग को अपना जहाँ पहले रह रहे थे वहाँ चेकआउट करके दूसरे मतलब अभी यहाँ रहने वाले हैं। ये देखो ये है हमारा दूसरा होटल, यहाँ भी स्टे करने वाले हैं। तो अभी जा रहे हैं सामान को लेने और बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है वृंदावन में, हालत ख़राब हो गई है। चलो लेके आते हैं सामान। आ चुके हैं अपने न्यू होटल में, इतना सारा लगेज हमारा, ये देखो लिफ्ट पे जाना जीजा जी की मम्मी आई हुई है अभी और हम लोग अपने अपने रूम में अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने अपने होटल अपने रूम अपने सुख और चैन को छोड़कर फिर जा रहे हैं बाहर निकल रहे इतनी गर्मी में वृंदावन की गर्मी। हमारा खाना आ चुका है, गाइस हम लोग इतना खाली है ना कि अब चला नहीं जा रहा है हमारी आँखों में। देखो अभी भी दीदी खाने का ही दिखा रही है, मतलब आँखों में देखो आँखों में कि मतलब इतना नींद आ रहा है ना मैं बता नहीं सकती। ये देखो पीछे मुझे तो लग रहा है चक्कर वक्कर ना आ जाए, खाना का नशा नेक्स्ट लेवल का होता है। आँख में आंसू आ गया भाई। तो गाइस अब हम लोग 2 घंटे सोने के बाद जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी का और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे आस पास बहुत सारे बंदर हैं तो मैं ज़्यादा तो वैसे आपको बता नहीं पाऊंगी, बट अभी जा रहे हैं दर्शन करने क्योंकि यहाँ के बंदर हाँ मोबाइल छीन लेते हैं। चलो साथ आप लोग भी। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने ले लिया प्रसाद। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करके, मेरे साथ एक कांड ही हो गया, कांड होते हैं सुबह टाइम बंदर मेरा मौसम भी छीन के ले गया था और अभी फोन छीन लिए थे महाराज पंडित जी वहाँ के, मेरा फोन छीन लिए। तो गलत है, मैंने कुछ मतलब शूट नहीं करना चाहिए था, मैं शूट कर लिया आप लोग को दिखाने के लिए तो हो गया। मैंने बहुत सॉरी बोली, फिर मिल भी गया फोन बट ठीक है, बहुत अच्छे दर्शन हो गया हम लोग को। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुकून सा फील हो गया। क्यों दीदी कैसा लगा आपको बताओ तो? बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बताओ? बहुत अच्छा। गाइस आप लोग भी जरूर आना यहाँ, ये हम लोग लस्सी पीने के लिए ले।
माय गॉड ले गया क्या? नहीं ले गया है, वहीं पे होगा। ओ माय गॉड उस भैया बंदे को दे। हाँ हाँ इन लोगों को गाइस चैन नहीं है, रात को भी इतना टायर्ड होने के बाद भी शूट के लिए बोल रहे हैं। प्लीज इन लोगों को ही समझाओ। देखो इन लोग खाना ऑर्डर किए, इन लोगों को खुद को नहीं पता क्या ऑर्डर किए। ऐसे लोग रहते हैं, इन लोगों सिर्फ खाने खाने से मतलब है। देख रहे हो कॉन्सेंट्रेट लेवल इन लोगों का।